हे गाइस, तो फिलहाल काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था और कहीं आना जाना नहीं हो रहा था मेरा, तो इसलिए व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मेरे को थोड़ा सा कंटेंट मिला है। मेरे दोस्त की शादी है चिंटू, जिसका नाम पलाश भी है, तो फिलहाल उसका पूरी शादी का व्लॉग दिखाऊँगा मैं आपको, हम क्या क्या मस्ती करते हैं, किस तरह से काम हैंडल करते हैं, ठीक है, और किस तरह से रोड़ा पाते हैं, ये सब दिखेगा तुम्हारे को इस वीडियो में, इस व्लॉग में। और बाकी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फिलहाल ये है चिंटू का घर, हमारे दोस्त का घर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा डेकोरेशन कर रखा है। और ये लवन्या जिसने करवा रखा है, और इसने दिखा रखा है कि भाई हमारे दो प्लाट है, 44 और 45। ये हमारा दोस्त है चिंटू, इसकी शादी है, तो इसकी शादी में इनवाइटेड हूँ मैं। फिलहाल ये मेरे को बहुत सारे काम बताएगा। हाँ भाई, काम बता क्या करना। जाओ गाड़ी सजाओ, पहुँचो गाड़ी सजवाओ। गाड़ी सजवाने का सबसे पहले काम दिया इसने मेरे को, और मैं नहाया भी नहीं, अभी जस्ट रात को यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, डांस किया, उसके बाद सुबह सडन इसका कॉल आया और फिर मैं उठते ही सीधा इसके घर पर आया, अभी नहाया भी नहीं मैं। सो ये गाड़ी है ब्रेजा, तो ये होगी रेडी शादी में जाने के लिए। ये देख रहे हो सामने, ये वाला घर है, ठीक है। और डेकोरेशन तो इसने फिलहाल तगड़ी करा रखी है, कठपुतलियाँ, पतंगे, हार्ट, और पता नहीं क्या क्या लगवा रखा है इसमें, एक नंबर डेकोरेशन लगी भाई। ये देखिए दोस्तों, फिलहाल हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इसके फ्रंट में भी बुके लग गया है और इसके ऊपर भी लग गया है, थोड़ा सा टचअप बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट डन है। हाँ तो भाई, चिंटू की शादी है, ठीक है, बैठ 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 आराम से बैठ। तो चिंटू की शादी है, हाँ। मैं आज का पूरा व्लॉग पूरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और मैंने स्टार्टिंग का कर लिया है। हाँ, अभी तुम आए हो, हाँ। तो तुम्हें व्लॉग में आना है तो तुम कुछ बोलो, फिर ये मत बोलना मेरे को व्लॉग में नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं, हम तैयार हैं हर तरीके से, आदान प्रदान पर विश्वास रखते हैं। तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं, जैसा आप कहें, ठीक है, आप जो पोजीशन बोले उस पोजीशन में हम रेडी हैं, कहोगे तो हम जला देंगे, बम फटाके, कोई दिक्कत नहीं। ये दूल्हा भी आ गया, ये हमारा दूल्हा है, ये रहा। आज थोड़ा ज्यादा दर्द है दूल्हे के, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, पूरी आपको पूरा फिल्म दिखाएंगे पूरी तरीके से, स्टार्टिंग से कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हमारे दोस्त का नाम है पलाश लवन्या, बाकी ये है इसका कड़वा दोस्त, इधर। हाँ, तो ये हमारा कड़वा दोस्त है, लेके चलते हैं साथ में, कोई टीका कोई नजर नहीं लगती हमें, किसी चीज की जरूरत नहीं। के लिए तो है तो सही, बात चावल खिलाने के लिए, बाकी तलवार है नहीं है। हाँ, तलवार ले लिया मेरे दोस्त, तलवार उसको कृपान दे भाई जल्दी। अच्छा, और ये हमारा जो है सबसे जिगरी फ्रेंड है, ठीक है, इसके लिए हम अपनी जान दे देते हैं। और रात में ये हमारा दूल्हा है, स्कूटी लेके कौन आया अभी, ये पापा ने बोला यहाँ लगाने को, अबे साइड में लगाने बोला होगा। तो हम आ गए अभी फ्रंट गेट पे, ठीक है, ये तो दूल्हा है, आज नागमणि लेके जा रहे हैं, पापा को देना। अभी नागमणि कैसे लेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हम देख लेंगे। एक तारीख को दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये मेरा दोस्त कनेक्ट रहेगा आपसे। नागमणि मतलब समझा नहीं, नागमणि मतलब ये जैसी बैंड बजेगा ना, यहीं पे लौटेंगे, दिखाओ। अच्छा, डांस वाला, हाँ, यहीं लौटेंगे, बिल्कुल नागेट धुन बजेगी, प्रॉपर शूट। थोड़े बाद हम भी तैयार होंगे और यही ऐसे ही शूट करवाएंगे। हम वैसे तैयार रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी है, इससे तो अच्छी है, देखो इसका चेहरा नजर आ रहा है उधर का, नहीं आ रहा, टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई आज तुम्हें खुश कर देगा। इधर है भाई, मैं फिलहाल इस व्लॉग में बताता हूँ, कोई लंगड़ी लोली या कोई, मैं तैयार हूँ, सावली लड़की हो या, मैं रेडी हूँ भाई, जो इस बेचारे शक्ल को प्यार करे तो मेरे को कमेंट कर देना या डीएम कर देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं रेडी हूँ, ठीक है, कमा लेता हूँ अच्छा खासा, 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, आ जाना भाई, ठीक है। और ये मेरे दोस्त के लिए, इसके लिए मेरे पास है, वो फाउंडेशन लगा ले, फाउंडेशन वो काजल लगाना ऐसे नीचे वाला, वो ऐसे लाइन करके ना, आगे है ना, कहाँ जा रहा है उधर, कहाँ पीछे, मैंने पकड़ रखा है ना फोन, ऐसा है हमारे आगे सारे बैंड वाले ढोल वाले भैया आ गए, अब थोड़ा सा शोर शराबा चालू कर देंगे, इधर आओ, इधर आओ,
शोर शराबा चिंटू को बता देंगे, वो भी रेडी होने वाला है, 10-15 मिनट में निकल जाएंगे इधर से, मंदिर चलेंगे, मंदिर से वहाँ पे हमारे घर खड़े हैं, एक बार और फोन मारते हैं, ठीक है? हमारे ढोल वाले भाई आ गए, लाइटें बंद हो गई, सो गाइज हम शादी के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि हमारे को कटिंग करानी थी, शेविंग करवानी थी, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बारात इतनी ज़्यादा आगे पहुँच गई है ना, हमारे को स्कूटी उठानी पड़ गई है, स्कूटी उठा रहे हैं फिर हम उसका पीछा कर रहे हैं, और वो बारात जो है वो एकदम एंटर करने वाली है बैंक्वेट के अंदर, और हम यहाँ अभी स्कूटियाँ रस्ते नाप रहे हैं, और लेट कराने वाला इंक्लूड ये भी है, भाई साहब को कोई काम आ गया था पर्सनल, इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया, बाकी पहुँचते हैं। तो फिलहाल लड़की वाले जो है वो आगरा से आए हैं, तो उसी दिन शादी वाले दिन ही सगाई हो रही है, आप ये देख सकते होगे सगाई हो रही है, इतने सारे कपड़े लत्ते, फ्रूट, मिठाइयाँ, चिंटू की शादी का ब्लॉग पूरा का पूरा शूट करूंगा मैं, चिंटू सो गाइस ये है हवेली, हवेली मतलब उसका नाम है हवेली, यहाँ पे बुकिंग हो रखी है, यहाँ पे हम बैंकेट आई है, ओपन वगैरह लगा रखे हैं, फूल वूल डालने के लिए लड़कियाँ रखी हुई है, और ये हमारे दोस्त यार वाले बोल रहे हैं फ्री होने के लिए, ये हमारे दोस्त, क्या भाई क्या प्लानिंग चल रही है, क्या करना है? कुछ दोस्त होते हैं शादी में चूतिया टाइप, इसमें से दो तीन है मेरे शामिल, ठीक है, वो चूतिया दोस्त जो है ना उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या कमी करी है, लोड़ू चंद एक तो लेट आते हैं, ऊपर से ज्ञान चूतते हैं, तो ऐसे कुछ बंदे हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो बहुत बिजी, ये सारा कट जाएगा। ओए मैंने तो बका था, वो पोस्ट मत कर दियो, बता रहा हूँ तेरे को मैं, बोल रहा था भाई आया ना, अब इसका इंट्रोडक्शन हमने, बोल बोल तो हे गाइस हम आए हैं की शादी में, हे नमस्ते, हम है सारे दिल्ली के भाई दोस्त भी हैं, और मिलते हैं बाद में। तो एंटर करते ही हमारे को सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पे मॉकटेल, मॉकटेल की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। तो भाइयों आ गया मैं फिर से ब्रेक के बाद, तो बात ऐसी थी, कुछ घटना ऐसी थी जो मैं आपको बता नहीं सकता, अब क्यों नहीं बता सकता, वो मेरे दर्द है, कहाँ दर्द है समझ जाओ, वहाँ नहीं बस यहाँ दर्द है दिल में यार, इसके दिल में भी मेरे दिल में भी, एक जूती है यार छोड़ो। तो भाई ऐसा है, देखो मैंने थोड़ा सा ना मतलब अगर ओवर बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना, इसको पेल देना, इसके लिए जितना कमेंट देना अंड संड मंड जो भी सब चलेगा, फिलहाल इसकी बातों को इग्नोर करो और शादी का डेकोरेशन और खाने पर फोकस करो, बिल्कुल यार इंजॉय बढ़िया, और अब मैं पता नहीं क्या कहता रहता है व्लॉग के अंदर, कुछ भी कहता है, ये अपनी पर्सनल मैच्योर पर्सन, क्योंकि तुम्हारे को नहीं पता कि क्या हुआ है क्या चल रहा है, ये अपने अपना ओपिनियन देता है, एंड आई माय कन्वर्सेशन इज वेरी हाई भाई, उनको थोड़ी यू नो उनको थोड़ी पता है, दिस पर्सन हैज इंग्लिश इज वेरी लेस एंड वेरी पुअर इंग्लिश, भाई तुम्हारे को थोड़ी पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है व्लॉग के अंदर, ये अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई मेरे साथ ये हो गया मेरे साथ ये हो गया, एंट्री हो तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे दोस्त की जयमाला स्टार्ट होने वाली है, अभी ये स्टेज पे हैं, तो आप लोग मैं थोड़ा दिखाता हूँ, अभी मैं दोनों लोगों को स्माइल करवाऊंगा प्यार से, ठीक है, भाभी स्माइल पूरी स्माइल, देखो पार्टी मैंने चेंज की थी, ठीक है, मैं सपोर्ट में था, ठीक है, दोस्त को भूल जाओ मेरे, इधर से इधर भाभी स्माइल, हाँ ये बात भाई गुस्से से कल देख, स्माइल करना स्माइल कर,
देखा मेरा दोस्त कितना प्यारा है, एकदम मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने ब्लॉग पे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारी, ये मेरा दोस्त जिगरी, कभी कभी हम फोटो, ये हमारे कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो एक बार। हाँ जी फोकस रहेगा पूरा, बिल्कुल हमारी जरूरत नहीं है कैमरे वालों को। यार यहाँ से डाटा मिलेगा ना जो डिलीट हुआ। पीछे वाले देख नहीं पा रहे ना कुछ, मीटिंग में सब खड़े। पहले मैडम डाल लेंगी भैया, थोड़ा साउंड हाँ। तो भाइयों फिर से हम आ गए एक बार, ठीक है, व्लॉग के साथ। अभी हमारा दोस्त जो मैंने बताया था जिसकी वेडिंग में थे हम, तो अभी मैं आपको एक खास जो है बिल्कुल करीबी रिश्तेदार मेरे दोस्त के, उनसे मिलाऊंगा मैं। तो ये रे, कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रहा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आइए मिलते हैं इनसे। हाँ जी सर, बताइए आपको शादी का कैसा रहा माहौल? बहुत बढ़िया। आपको क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? सारी चीज़ें, सारी चीज़ें। चलिए, दिल खोल के जिया आपने। आपको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे आपकी शादी के? अभी हुई नहीं है अभी। ये तो दुख वाली बात है। तो दोस्तों ठीक है, इनके लिए जरूर कुछ हो तो कमेंट कीजिए, अगला साल मेरे दोस्त के लिए है। ठीक है, तो भाइयों एक बड़ी दुखद घटना हुई है जो मेरे हृदय से फील हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा दोस्त दोस्त नहीं रहा, ठीक है, क्या हो गया वो आप लोग कमेंट में बताओ। मेरे व्यूवर जितने भी हैं सब बताएंगे कमेंट में, एक नंबर का कमेंट करना, इसके लिए तो जरूर करना। इसको मालूम है ना इसका क्या नाम रखा है? मैं नहीं मालूम। हमारा एक दोस्त कम हो गया, एक दोस्त कम हो गया यार हमारा, बड़ा वो किसी का पति बन गया, लेकिन एक नए दोस्त बन गया, उनसे मैंने मिलाया आपको फिर से एक बार। ठीक है, ये देखो चेयर अप कर दो भाई, ठीक है भाई, काट दिए उसी। परेशान क्यों हो रहा है तू? मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इसकी शादी का व्लॉग है मेरे पास, पूरी शादी, हाँ शादी व्लॉग चल रहा है मेरा, शादी व्लॉग आएगा अपने चैनल पे डालूंगा। पैसे कमाएगा तू इससे? हाँ टाटा। मैंने 2 घंटे आओ, बैठो बैठो, क्या चाहिए पानी लाने? चलने के लिए। हैं? तो पूछा नहीं, हम तो बहुत कुछ पूछ रहे, तुम पानी, चाय पानी, पैर फुल हो जाए, पानी ला रहा हूँ। पूछने के लिए बोला खाली? अरे लाने पूछने के लिए बोला है, पूछने के लिए बोला है, पूछ लिया। नॉर्मल करो ना, अजीमो शान से इंसान कैसे करना, ये वाला खेल है जो तुम चौधरी नहीं बनना है, वही तो करना, क्लिक करना, इधर आ जाना, इधर आ जाना अंकल जी, एक बार साइड हो जाना, पूरी फोटो लेना, क्या करना है पूरी फोटो लो, अभी भगा देते हैं वो, फिर आधी आधी पास खड़ा हूँ ना इसलिए, ले पूरी आ गई। ओ ओ ये एक बार आप, अरे ये ठीक कर अपना, ये पल्ला ठीक कर लो, यहां देखो हंस के दिन
देखो एक दूसरे को, एक दूसरे को देखना है, घूरना नहीं है, देखना है।